नमस्कार। अगर आप लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कौन सा डॉग ब्रीड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपार्टमेंट लिविंग के लिए, तो ये वीडियो आपको हेल्प करने जा रही है कि आपको कैसे डॉग ब्रीड सेलेक्ट करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अपार्टमेंट लिविंग डॉग ब्रीड्स के बारे में। अपार्टमेंट लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डॉग ब्रीड चिवावा है। चिवावा बहुत से कलर्स में आते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, क्रीम, रेड, रेड एंड वाइट का भी कॉम्बिनेशन होता है, और भी बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं। इनका जो साइज होता है चिवावा का बहुत छोटा होता है, जिस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। दोस्तों, ये पूरा 15 से 25 सेंटीमीटर यानी कि 6 से 10 इंच का ही एक चिवावा होता है, और इसका अगर वजन देखें तो वजन 2 किलो से लेके 2 किलो 700 ग्राम के करीब इनका वजन होता है। अलग अलग कोट्स में आते हैं, जिसमें छोटे बाल होते हैं, कोई कोई लंबे बाल भी होते हैं, शॉर्ट हेयर्ड बोलते हैं, लॉन्ग हेयर्ड बोलते हैं। और इनका जो लीटर साइज होता है यानी कि एक फीमेल चिवावा जो होती है 2 से 5 बच्चे दे सकती है। लाइफ स्पैन इसका 12 से 20 साल कहीं भी हो सकता है। 12 साल मिनिमम है और 20 साल तक इनकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है। चिवावा आपके छोटे अपार्टमेंट के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। अपार्टमेंट लिविंग के लिए जो दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला डॉग ब्रीड है वो है पग। पग का ओरिजिन ऐसे तो चाइना से माना जाता है, लेकिन इंडिया में भी पग के बहुत चाहने वाले हैं। काफ़ी लोग पग डॉग ब्रीड को अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, जैसे ब्लैक, पॉन, एप्रिकोट, रेड, ग्रे और भी 2-3 कलर्स आते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो 30 से 36 सेंटीमीटर की हाइट होती है, एक पग की एवरेज हाइट। और जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 से 15 साल का होता है। ये छोटे घरों में, स्मॉल हाउसेज में भी आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और बहुत ही चार्मिंग, क्लेवर, प्लेफुल डॉग ब्रीड है पग। बहुत ही लोगों के साथ घुल मिल कर रहने वाला है। तो दोस्तों, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट लिविंग के लिए। अब हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे डॉग ब्रीड बीगल के बारे में। बीगल जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, जैसे लेमन एंड वाइट, ट्राई कलर, वाइट एंड टैन, चॉकलेट, वाइट एंड चॉकलेट, ऑरेंज एंड वाइट। लेकिन जो दोस्तों इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कलर होता है वो ट्राई कलर होता है। इसकी जो एक एवरेज हाइट होती है एक बीगल डॉग की, वो 36 से 41, 36 to 41 सेंटीमीटर की होती है। बहुत ही प्लेफुल डॉग है, इंटेलिजेंट होता है और इवन टेम्पर्ड होता है, मतलब जल्दी गुस्सा नहीं आता है इसको। बहुत ही जेंटल डॉग ब्रीड है। इसका वज़न 10 से 11 किलो के करीब होता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो 12 से 15 साल इसका लाइफ स्पैन होता है। अपने स्मॉल साइज और प्यारे लुक की वजह से सिरजू भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके अपार्टमेंट लिविंग के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि कोई छोटा सा प्यारा सा डॉग अपार्टमेंट लिविंग के लिए हो, तो सिरजू भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, जैसे ब्लैक सिरजू आता है, व्हाइट आता है, लीवर कलर आता है, ब्रिंडल कलर आता है, लीवर एंड व्हाइट आता है, लाइट ब्राउन आता है, डार्क ब्राउन, ब्लैक व्हाइट, ब्लू, गोल्ड और भी 2-3 इसमें कलर्स होते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट होती है 20 से 28 सेंटीमीटर एक एडल्ट सिरजू की होती है। इसका ओरिजिन चाइना से माना जाता है, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पे इसका कहीं ओरिजिन हुआ था। बहुत ही प्लेफुल और अफेक्शनेट डॉग है, इंटेलिजेंट होता है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है 10 से 16 साल तक ये जिंदा रह सकता है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे वफादार डॉग ब्रीड लैब्राडोर के बारे में। लेब्राडोर का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से माना जाता है। ये बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही प्लेफुल डॉग होते हैं और बहुत ही वफादार होते हैं। ये बच्चों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। ये गेम्स भी खेलते हैं बच्चों के साथ। इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 10 to 12 ईयर्स का होता है, 10 से 12 साल जिंदा रहते हैं। अलग अलग कलर्स में आते हैं, जैसे ब्लैक, चॉकलेट, येलो। इनकी जो एवरेज हाइट होती है एक एडल्ट की वो होती है 57 to 62 सेंटीमीटर, 57 से 62 सेंटीमीटर की हाइट होती है। और जो वज़न होता है वो होता है करीब 28 किलो से लेके 36 किलो तक का वज़न होता है। और इनका हेल्थ और इनका जो बनावट होती है बॉडी की, उसकी वजह से ये कम एज में ही ज़्यादा हेल्दी दिखने लगते हैं। 6 महीने का डॉग भी लगता है बहुत बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, इस डॉग को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये अपने छोटे से घर से लेके और बड़े फार्म हाउसेज तक में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इंग्लिश बुलडॉग या ब्रिटिश बुलडॉग भी एक अच्छा ऑप्शन है अपार्टमेंट लिविंग के लिए। ये छोटे घरों में भी एडजस्ट कर लेता है। इसका लाइफ स्पैन 8 से 12 साल का होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, जैसे वाइट,
फॉन, ब्रिंडल एंड वाइट, रेड एंड वाइट, रेड ब्रिंडल और भी दो तीन कलर्स इसके फेमस हैं। और ये फेमस इसलिए भी है ये डॉग ब्रीड क्योंकि ये बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, फैमिली मेंबर्स के साथ एक इसका बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है बुलडॉग, तो आप इसको भी अपने छोटे घरों के लिए आप देख सकते हैं। इंडियन स्पिट्स डॉग ब्रीड भी एक अच्छा ऑप्शन है। एक्चुअली इंडियन स्पिट्स को अक्सर कंफ्यूज रहते हैं लोग कि पोमेरियन से, ये बिल्कुल पोमेरियन जैसे दिखने वाला डॉग ब्रीड है। ये दो कैटेगरी में आते हैं, एक स्मॉलर साइजेस में आते हैं, एक बिगर साइजेस में आते हैं। जो स्मॉलर साइजेस में आते हैं उनका जनरली वेट जो होता है 5 से 7 किलो का होता है, जबकि जो बिगर साइजेस में आते हैं वो 12 से 20 किलो के होते हैं। ये बहुत ही प्लेफुल डॉग है और घर में लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला है। अलग अलग कलर्स में आता है, वाइट, ब्लैक, ब्राउन। ये इंटेलिजेंट होते हैं, एथलीट होते हैं, परमानेंट दौड़ते रहते भागते रहते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो होता है 12 से 15 साल होता है और किसी भी अपार्टमेंट साइज या छोटे या बड़े घर किसी के लिए भी सुटेबल डॉग ब्रीड है। गोल्डन रिट्रीवर एक ब्रिटिश ब्रीड है जो कि मीडियम साइज में होता है। इंडिया में जो डॉग लवर्स होते हैं वो गोल्डन रिट्रीवर को भी अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। गोल्डन रिट्रीवर एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी, फ्रेंडली और रिलायबल डॉग ब्रीड है जो जिसपे भरोसा किया जा सकता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है। इसकी हाइट जो होती है वो 51 सेंटीमीटर से लेके 61 सेंटीमीटर तक की होती है और जो इसका वजन होता है वो 25 किलो से लेके 34 किलो तक का हो सकता है। ये अलग अलग कलर्स में आते हैं जैसे कि डार्क गोल्डन, लाइट गोल्डन, क्रीम या बिल्कुल ही गोल्डन कलर में भी आते हैं। जो गोल्डन रिट्रीवर का लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 12 साल होता है। पूडल डॉग ब्रीड भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके अपार्टमेंट लिविंग के लिए। छोटे घरों में अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता है। बहुत ही इंटेलिजेंट, अलर्ट रहता है ये और फेथफुल डॉग ब्रीड है। इसकी हाइट, एक्चुअली हाइट इसकी, ये तीन तरीके के पूडल्स आते हैं। एक टॉय पूडल आते हैं जो बहुत ही छोटा होता है, 24 से 28 सेंटीमीटर का जो पूडल होता है उसे टॉय पूडल बोलते हैं। एक मिनिएचर आता है, मिनिएचर या मीडियम पूडल कह लें, 28 से 35 सेंटीमीटर का होता है। और एक होता है स्टैंडर्ड पूडल, स्टैंडर्ड पूडल 45 से 60 सेंटीमीटर का होता है। जनरली लोग अपने घरों में टॉय पूडल रखना पसंद करते हैं, वो खिलौने की तरह दिखता है इसलिए उसे टॉय पूडल कहते हैं। पूडल का ओरिजिन फ्रांस एंड जर्मनी में माना जाता है। इसको वाटर डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग कोट्स आते हैं, कर्ली कोट्स आते हैं, इसके बड़े बड़े बाल होते हैं जिसको बार बार ग्रूमिंग करना पड़ता है, नहीं तो इसके बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि खाने में प्रॉब्लम आती है इसको। और इसका लाइफ स्पैन जो है 12 से 15 साल का होता है। पूडल डॉग ब्रीड को इजीली ट्रेंड किया जा सकता है और हमारे फैमिली में रहना पसंद करता है, घर के बच्चों के साथ खेलना, सबके साथ रहना पसंद करता है। दोस्तों, डक्सन्ड डॉग ब्रीड जो होता है भी बहुत ही प्यारा डॉग ब्रीड है, बहुत ही क्लेवर होता है जो कि खेलता रहता है फैमिली मेंबर्स के साथ और डिवोटेड होता है फैमिली मेंबर्स के साथ, बिल्कुल ही ये वफादार रहता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, बहुत साहसी डॉग ब्रीड है ये। इसके पैर छोटे होते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको शॉर्ट लेग्ड लॉन्ग बॉडीड डॉग ब्रीड भी बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, जैसे ब्लैक में आता है, ब्लैक एंड टैन कलर में आता है, चॉकलेट एंड टैन कलर में आता है, ब्लू एंड टैन में आता है, चॉकलेट एंड क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन भी होता है, क्रीम कलर में भी आता है। कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जिसके बाल छोटे होते हैं, कुछ ऐसे डॉग्स भी होते हैं जिसके बाल बड़े होते हैं। ये 12 से 16 साल तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, ये एक अपार्टमेंट लिविंग डॉग के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है, अपने छोटे से छोटे घरों में भी रह सकता है और बड़े से बड़े घरों में भी ये डॉग ब्रीड रह सकता है डॉग्सन्ड। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।